स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले मैथमेटिकल मेथड ग्रुप थ्योरी चैप्टर नंबर 2, उससे पहले शुरू करने से पहले हम इसकी चंद डेफिनेशंस और थ्योरम करेंगे। ये एक डेफिनेशन है सब ग्रुप। ग्रुप के मुताबिक हमने पढ़ा पिछले एक्सरसाइज में कि कोई भी सेट ग्रुप होता है अगर वो चार प्रॉपर्टीज को पूरा करता है, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाए, वो क्लोज हो, एसोसिएटिव हो, कोई भी सेट ग्रुप कहलाता है अगर वो ये चार प्रॉपर्टीज पूरी करता है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन वो क्लोज हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट के अंदर पाया जाता हो और हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर मौजूद हो, तो हम उस सेट को कहते हैं, कोई सेट है तो अगर उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला सेट जो है ये एक ग्रुप है। अब पढ़ेंगे हम ग्रुप के बाद सब ग्रुप क्या है। लेट जी अंडर स्टार, लेट जी स्टार, स्टार का मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है या फिर एडिशन का हो सकता है। लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, कहता फर्ज करें कि जी आपके पास एक ग्रुप है। अगर जी आपके पास एक ग्रुप है एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, जी एक ग्रुप लेंगे और उसके अंदर एक उसका सबसेट लेंगे एच, क्या वो ये रहा है कि अगर आपके पास जी एक ग्रुप है, मसलन फर्ज करेंगे ये जी है, ये उसके अंदर उसके एलिमेंट्स हैं, ये जी एक ग्रुप है, बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी और इसका एक सबसेट है एच, इसके अंदर एक छोटा सेट है एच। इफ एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप विद सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, देन एच इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी। कहता है जी एक ग्रुप है आपके पास, आपने उस ग्रुप का एक सबसेट लिया, यानी एच जो है वो सबसेट है जी का, ग्रुप का ये सबसेट है। कहता है ये वाला जो एच है, ये वाला जो सबसेट आपने लिया है इसका, ये वाला एच जो है अगर ये साबित हो जाए कि ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पूरी करता है, वो जो चार प्रॉपर्टीज अभी मैंने लिखी, अगर ये इसके एलिमेंट्स एच ग्रुप जो कि एच जो है सबसेट है जी का, अगर उसके अंदर भी वो चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप वाली पाई जाती हैं तो हम कहेंगे कि एच जो है सब ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप। तो ये इसकी डेफिनेशन है सब ग्रुप होने की, यानी जी एक ग्रुप हो आपके पास, जी जो है ये एक ग्रुप हो, एच उसका सबसेट हो, जी का सबसेट एच हो और एच खुद भी एक ग्रुप हो, एच खुद भी एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज चारों प्रॉपर्टीज को पूरी करता हो, तो हम कहेंगे कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो हम कहेंगे एच सब ग्रुप है इस जी का, यानी एच के एलिमेंट्स ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को पूरा करते हैं तो हम कहेंगे एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। उसके बाद आ गया ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। अब ग्रुप सब ग्रुप्स की कुछ इकसाम हैं, उनके मुताबिक पढ़ेंगे। एवरी सब ग्रुप जी हैज एट लीस्ट टू सब ग्रुप्स, कहते कोई भी सब ग्रुप हो, एवरी सब ग्रुप, एवरी ग्रुप जी, इधर ग्रुप लिखना था, एवरी ग्रुप जी हैज एट लीस्ट टू सब ग्रुप्स, कहते कोई भी आपके पास ग्रुप हो, मसलन वन है, माइनस वन है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, एवरी ग्रुप हैज टू सब ग्रुप्स, इसके दो सब ग्रुप्स बनने ही बनने हैं। कौन कौन से? एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक ये जी खुद, क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, तो इन दोनों को, ये जो दोनों इसके सब ग्रुप हैं, किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप होते ही होते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक वो ग्रुप खुद, तो इन दोनों को हम कहते हैं कि ये ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, ये किसी ग्रुप के ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे इसके, अगर हम बना लें जितने भी इसके बनेंगे, वो सारे दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ऑल अदर सब ग्रुप्स ऑफ जी आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। इसके अलावा जो भी बनेंगे, इन दो के अलावा जो भी हम इस जी के सब ग्रुप बनाएंगे वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी, सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो ये हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी और हमने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हम करेंगे इसका थ्योरम। थ्योरम है लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी ए ग्रुप, अगर आपके पास जी एक ग्रुप हो, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप हो, ए नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ एच, फिर आप ऐसा करें कि उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें जिसका नाम रखें एच, यानी वही बात है कि जी जो है वो ग्रुप है, बात ये कर रहा है कि जी जो है वो एक ग्रुप है, एच जो है आपने लेना है इसका सबसेट,
G under multiplication be a group, a non-empty subset G of G is H, यानी इसका एक non-empty subset हमने ले लिया ये, is a subgroup of G, if and only if, इसमें if and only if है, तो हम इसको दो तरफ से साबित करेंगे, पहले हम इस चीज़ को true मानेंगे, H is a subgroup, इसको हम true मानेंगे और ये साबित करेंगे, for all AB belonging to H, then element AB inverse belongs to H, तो फिर वो कहता है कि अगर आप ऐसा करो, H के अंदर से H जो कि इसका सबसेट है जी का, इसके अंदर से आप कोई दो एलिमेंट ले लो, एक ए ले लो और दूसरा जो भी एलिमेंट इसके अंदर से लो उसका इन्वर्स लेना है, जो भी एलिमेंट उसके अंदर से लो उस एलिमेंट का आपने इन्वर्स लेना है, तो ये बिलोंग कर जाए उसी को, एच को, यानी इनको दोनों को कर पर ऑपरेशन करें और वो उसी ग्रुप उसी एच को बिलोंग कर जाए, तो हम कहते हैं कि एच जो है ये एक सब ग्रुप है। लेट जी बी ए ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ एच, एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है जी का जिसका नाम एच रखना है, साबित ये करना है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच सब ग्रुप होगा जी का, इफ एंड ऑनली फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच, अगर एच के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये साबित हो जाए कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को, तो हम कहेंगे एच जो है वो एक सब ग्रुप है। इसमें चूंकि इफ एंड ऑनली है तो उसको हम दोनों तरफ से प्रूव करेंगे, तो पहले हम ये चीज सपोज कर लेते हैं इफ एंड ऑनली से पहले वाली कि एच इज ए सब ग्रुप, लेट एच इज ए सब, लेट जी इज ए ग्रुप, ये तो उसने दिया हुआ है, लेट जी इज ए ग्रुप, इसमें हमें लेट भी लिखने की जरूरत को नहीं, जी इज ए ग्रुप, जी उसने ग्रुप दिया हुआ है, जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप, और उसने कहा है एंड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी इज एच, और एच एक सबसेट लेना है नॉन एम्प्टी, यानी एच जो है वो खाली सेट नहीं है, एच जो है वो खाली सेट नहीं है, ये उसने बात बताई हुई है। इफ एंड ऑनली से पहले ये बातें सारी मौजूद हैं कि जी कोई ग्रुप है और एच उसका एक सबसेट है और एच जो है वो नॉन एम्प्टी है। प्रूव एच इज ए सब ग्रुप, हमें साबित करना होगा कि एच जो है वो सब ग्रुप है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है और ये चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इफ एंड ऑनली से पहले वाली जो बात है उसको हम ट्रू मान लेते हैं, लेट एच इज ए सब ग्रुप, लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो हम मान लेते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है इस जी का, और हमें साबित करना है ये चीज़, तो हमको ये सारी चीज़ें जो उसने दी हैं इनको इस्तेमाल करके वी विल प्रूव दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जी एक ग्रुप है, एच उसका सबसेट है जो कि गैर खाली सेट है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, हमने सपोज किया कि एच सब ग्रुप है जी का, इस बात को हमने मान लिया, तो ये चीज़ हम साबित करेंगे कि हम एच के दो एलिमेंट्स लें, एक एलिमेंट उसका ए ले लें और दूसरा जो भी उसका एलिमेंट लें उसका इन्वर्स लेना है, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो बिलोंग कर जाए एच को। अब ये चीज़ हमने साबित करनी है तो हमें एच के दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो हमने एच में से दो एलिमेंट्स ले लिए। अब चूंकि एच हमने माना है कि ये सब ग्रुप है जी का और हमें ये पता है कि सब ग्रुप जो होता है, बताया आपको कि सब ग्रुप खुद भी ग्रुप होता है, सब ग्रुप इज ए ग्रुप, सब ग्रुप खुद भी एक ग्रुप होता है, अगर वो ग्रुप होता है तो ग्रुप तो चार प्रॉपर्टीज को पूरा करता है, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब देखें लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, ए और बी एच को बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये एच को बिलोंग कर रहे हैं तो एच एक ग्रुप बी है, अगर ये एक ग्रुप है तो इसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है, बी का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है। अगर ए और बी एच को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का इन्वर्स भी इसके अंदर बिलोंग करता है, अगर ए और बी का इन्वर्स, क्योंकि इसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है, क्योंकि एच खुद एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है, तो ए और बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को, तो चूंकि एच एक ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें ए बी इन्वर्स वो भी बिलोंग कर जाएगा एच को, वजह एच इज ए ग्रुप, क्योंकि एच एक ग्रुप है और ग्रुप जो है तो क्लोज होता है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन जो जी पर डिफाइंड है। एक तो चीज़ हमने ये साबित करनी थी, अब आते हैं इसके दूसरे प्रूफ की तरफ, ये हमने साबित कर दिया, अब इसका कन्वर्स करेंगे, कन्वर्सली अब कन्वर्स में हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ माननी है इफ एंड ऑनली से आगे जो उसने दी हुई है कि ए बी के दो एलिमेंट्स एच हैं और ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को,
और हम साबित करेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है। अब हम इसको सब ग्रुप साबित करेंगे। पहले हमने इसको सब ग्रुप लिया और ये साबित किया कि A B इनवर्स बिलोंग करता है H को। अब इसका इनवर्स करेंगे, कन्वर्स करेंगे, तो हम सपोज करेंगे इस चीज को ट्रू मानेंगे और इसको सब ग्रुप साबित करेंगे। लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच। फर्ज किया, इसको हमने मान लिया कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को और हमें अब साबित करना होगा कि एच एक सब ग्रुप है। वी विल प्रूव एच इज सब ग्रुप। तो हमें अब ये साबित करना है कि एच एक सब ग्रुप है। अब देखें एच का हमें ये तो पता है, ये तो उसने बताया हुआ है कि एच जो है वो सबसेट है इसका जी का। एच जो है जी का सबसेट है, सबसेट तो ये जी का है। अगर हम ये भी साबित कर दें कि एच एक ग्रुप है, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को वो पूरा करता है, हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, और हम ये साबित कर दें कि एच सबसेट तो है जी का। अगर ये भी साबित हो जाए कि एच एक ग्रुप भी है तो फिर ये सब ग्रुप साबित हो जाएगा। सबसेट ये पहले ही है, हमें अब सिर्फ इतना करना होगा कि हमें एच को साबित करना होगा कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को ये पूरा करता है। तो हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज इसमें से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रुप की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोयर प्रॉपर्टी। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, क्लोयर प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट्स लेंगे इसके, हम दो एलिमेंट्स लेंगे एच में से और साबित करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो एच को ही बिलोंग करता है। तो ठीक है, दो एलिमेंट ले लेते हैं एच में से। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, ए और बी बिलोंग करते हैं। फर्ज किया कि ए और बी जो है वो एच को बिलोंग करते हैं। अब ए भी एच को बिलोंग करता है तो ए और बी का इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ए और बी, क्योंकि उसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, उसका इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। तो अगर ए भी बिलोंग करता है एच को, बी का इनवर्स भी बिलोंग करता है एच को, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एच को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि एच जो है क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब है कि, या फिर आप अब ये भी कर सकते हैं, अब ये ए बी इनवर्स है, अगर हम इसको, ये बी इनवर्स है तो इसका दो दफ़ा इनवर्स ले लें तो इनवर्स ख़त्म हो जाता है, फिर भी वो उसी को बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इनवर्स से इनवर्स कट जाता है पता है हमें, तो ए भी बिलोंग कर देगा एच को। तो साबित हुआ कि एच इज क्लोज, एच इज क्लोज, एच जो है वो क्लोज है। हमने दो एलिमेंट्स लेकर उस पर ऑपरेशन किया तो वो उसी को, एच को ही बिलोंग कर गया। तो ये थी उसकी ग्रुप होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद आगे ग्रुप होने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, हमने कहा था कि जी जो है वो एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है और एच उसका सबसेट है, एच उसका सबसेट है। अब चूंकि जी एक ग्रुप है तो उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ज़ाहिर पाई जाती है। अगर उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है तो एच जो है वो उसका सबसेट है, तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस एच में भी पाई जाएगी। तो इसके तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं फिर। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एच, हमने इसके तीन एलिमेंट्स ले लिए, एच जो के सबसेट है जी का, तो ये चूंकि एसोसिएटिविटी ग्रुप में पाई जाती है और एच जो है ये उसका सबसेट है, तो ये एसोसिएटिविटी इसमें भी पाई जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी इंटू सी जो है ए इंटू बी सी के इक्वल है। तो लिहाजा एसोसिएटिविटी होल्ड्स, सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन एच, दूसरी प्रॉपर्टी साबित होगी। इसके बाद आएंगे हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इस एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए ग्रुप होने के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट का उसके अंदर होना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस एच के अंदर पाया जाता है। अब इसको साबित करने के लिए हमने जो चीज़ ली हुई है वो ये है, जो हमने सपोज किया हुआ है, जिसको ट्रू माना हुआ है, वो है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये चीज़ हमने मानी हुई है ए बी इनवर्स, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और साबित करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस एच के अंदर पाया जाता है। हमें साबित करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो है वो भी एच के अंदर पाया जाता है। तो ठीक है, एच का एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू एच। तो हमने एच का एक एलिमेंट ले लिया। अब ए एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी होगा उसी का एलिमेंट,
क्योंकि एच के अंदर हर एलिमेंट का यूनिवर्स मौजूद है, ए यूनिवर्स भी इसको बिलोंग करेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए ए यूनिवर्स वो भी एच को बिलोंग करेगा। वजह यह है कि हमने ये चीज़ मानी हुई है कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच करता है, यानी एक एलिमेंट हो और दूसरा उसका इनवर्स हो वो एच को बिलोंग करता है। ये एक एलिमेंट है और ये उसका इनवर्स है, तो ये एच को बिलोंग कर रहा है यहाँ से। तो ये सब ए इनवर्स क्या बनता है, वो तो आइडेंटिटी बनता है, तो आइडेंटिटी जो एच को बिलोंग करती है, ये भी साबित हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी साबित करेंगे। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एच के अंदर मौजूद होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट। अब हम साबित करेंगे कि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का इनवर्स भी एच के अंदर मौजूद है। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं इसका, लेट ए बिलोंग्स टू एच। तो फर्ज किया कि एक एलिमेंट ये हमने एच का लिया है, तो साबित ये करना है कि इसका इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। अगर इसका कर गया तो फिर सबका कर जाएगा। अब चूंकि हमने कहा हुआ है कि आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी वो एच को बिलोंग करती है, आइडेंटिटी एच को बिलोंग करती है, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी भी एच के अंदर मौजूद है और ये भी एक एलिमेंट उसका हमने एच का ही लिया है। सिंस ई एंड ए बिलोंग्स टू एच, ए भी उसको बिलोंग करता है, आइडेंटिटी भी उसी को बिलोंग करती है एच को, तो अगर हम ऐसा करें इसके मुताबिक इसको बनाएं, तो हम इसको लिख सकते हैं ई इंटू ए, दूसरा एलिमेंट क्या लेना है, इनवर्स लेना है, ई पहला एलिमेंट और दूसरा जो भी लेना है उसका इनवर्स लेना है। ये भी किसको बिलोंग कर जाएगा, ये भी एच को बिलोंग करता है। अब आइडेंटिटी से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है ये ए यूनिवर्स बिलोंग करता है एच को। ये साबित हुआ, सारी प्रॉपर्टी साबित हो गई। सो एच इज़ ए सब ग्रुप, सो एच इज़ ए साबित ये हुआ कि एच जो है वो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन जी पाता। सो एच इज़ ए ग्रुप सब। अब हमने शुरू में कहा था कि एच सब सेट है जी का, अब साबित ये हुआ है कि एच एक ग्रुप भी है। तो पीछे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक अब H क्या हो गया फिर, सो H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G, सो H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। साबित ये हुआ कि H सब ग्रुप है G का, और यही हमने साबित करना है कि H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। हमने इसको ट्रू माना और साबित किया कि H जो है वो सब ग्रुप है G का।